तो देखो भाई, हुंडई ने अपनी पंचीवी राइवल 2024 हुंडई इंस्टर को अनवील कर दिया। ये एक ईवी है और कमेंट्स में पढ़ रहा था बहुत लोगों को पसंद आई, बहुत लोगों को नहीं आई। मेरे को पर्सनली कैस्पर जिसपे बेस्ड है ये पहले से ही लुक्स में ठीक लगती है, कोरियन है लेकिन थोड़ा सा इटालियन डिजाइन का फील आता है। तो फ्रंट में आपको मिलते हैं राउंड शेप्ड के DRL, इंडिकेटर्स आपको हुड से कनेक्टेड मिलेंगे, नीचे आपको एक बड़ा सा ब्लैक्ड आउट एरिया है जहाँ पे एडास के लिए रडार मिलेगा, सिल्वर कलर की स्किड प्लेट मिलेगी। साइड प्रोफाइल अगर अपन देखते हैं तो ए पिलर ब्लैक्ड आउट है, बाकी बॉडी कलर है, रूफ रेल्स आपको मिल जाएंगे और बहुत ही कूल 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिल रहे हैं। हाँ, स्टार्ट होंगे 15 इंचेस से, टॉप एंड में आपको 17 इंचेस मिल जाएगा। रियर बहुत ही बिजी है, बूट पे ही टेल लैंप्स है, स्पॉइलर विद ब्रेक लाइट मिल जाता है, बम्पर में राउंड शेप्ड इंडिकेटर्स के साथ रिफ्लेक्टर भी है और साथ में बम्पर में फ्रंट की तरह सिल्वर स्किड प्लेट। अब भाई इंस्टर ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही न्यू डिजाइन है। 2021 से ही हुंडई की कैस्पर कोरियन मार्केट में अवेलेबल है जिसपे ये बेस्ड है और जो हुंडई की एक्स्टर है ना वो भी बहुत कुछ शेयर करती है। सो सिंपल है, कैस्पर एक्स्टर इंस्टर सब अलग अलग पावर ट्रेन के साथ मिलती है पर सेम ब्रीड है। जो भी है यार, ये सब एक ही लड़की का नाम है। अब इसका मेन कस्टमर बेस सिटी यूजर होगा, तो साइज क्या होगा वो बताता हूँ। सिंपल है, पंचीवी से कंपेयर कर लेते हैं। इंस्टर में आपको लेंथ मिलेगी 3825 mm, पंच में मिलेगी आपको 3857 mm, इंस्टर में विड्थ मिलेगी 1610 mm को 1742 mm, हाइट की बात करें तो इंस्टर में आपको 1575 mm और पंचीवी में आपको 1633 mm, और इंस्टर का व्हील बेस है 2580, पंचीवी का व्हील बेस है 2445 mm। क्लियरली पंचीवी ऑन पेपर बड़ी है जो कि कुछ लोगों के लिए अच्छा है, इंस्टर जो है सिटी ड्राइविंग में आसान होगी, लेकिन पंचीवी और इंस्टर के चक्कर में एमजी कॉमेट की तो लग गई भाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग स्पैक्स देख लेते हैं। तो दो पैक्स आपको ऑफर करें, एक है 42 kW, दूसरा है 49 kW। तो जो 42 kW है इसमें आपको 97 BHP का पावर मिलेगा, टॉप स्पीड होगी 140 km/h और 0-100 11.7 सेकंड में रीच कर जाएगी। और जो 49 kW है यहाँ पे 115 BHP का पावर मिलेगा, टॉप स्पीड जो होगी आपकी 150 km/h होगी और 0-100 ये 10.6 सेकंड में रीच कर जाएगी। टॉर्क की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में अराउंड आपको 147 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क मिलेगा। अब भाई इंटीरियर मैक्सिमम लोगों को पसंद आने वाला है, जिनको ओल्ड स्कूल डिजाइन पसंद है उनको भी पसंद आएगा, जिनको थोड़ा सा मॉडर्न डिजाइन पसंद है उनको भी आएगा। इंटीरियर में आपको दो कलर थीम्स मिलने वाली, एक ब्लैक कलर थीम होगी और एक जो है थोड़ा सा क्रीम कलर साइड है। बहुत ही डिफरेंट लेआउट है, डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा डैशबोर्ड में, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल इंडिपेंडेंट जो है दिखाने की कोशिश करी गई है। जो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट है उसको बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर दिया गया है और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम वाली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाली जगह है इसको बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर दिया गया और वहाँ पे आपको थोड़ा सा चॉकलेट कलर देखने को मिलता है। और इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको दोनों ही 10.25 इंचेस की स्क्रीन देखने को मिलेगी। कुछ चीजें आपको ऐसी लेगी जो कि आपने इटालियन कार्स में बहुत देखा होगा, वो थोड़ा सा जो है सिल्वर फिनिश के साथ बहुत सारी चीजें देते हैं, जैसे आप नोटिस कर सकते हैं स्टार्ट स्टॉप बटन्स, उसके बाद आपको जो वाइपर्स के बटन है, इंडिकेटर्स के नॉब्स हैं, उसके बाद आप डोर हैंडल्स देख लीजिए, ये सिल्वर फिनिश जो है ना ये बहुत ही कूल लगती है, थोड़ा सा रेट्रो फील देती है। तो ओवरऑल आपको जो है मार्केट से बहुत ही डिफरेंट फील आपको इस कार में मिलेगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट और यूनिक थिंग्स बताता हूँ जो कि सेगमेंट फर्स्ट होने वाली इंस्टर में। क्या बात कर रहा है? फर्स्ट भाई आपने नोटिस किया होगा जब पंचीवी से अपन ने इसके डायमेंशंस कंपेयर करे थे तो यहाँ पे आपको व्हील बेस ज्यादा मिला था इंस्टर में और उसका बेनिफिट अब आपको मिलेगा। यहाँ पे रियर सीट में आपको थोड़ा सा रिक्लाइन भी देखने को मिलेगा और आप सीट को स्लाइड भी कर पाएंगे, मतलब बेटर लेग रूम के लिए आप जो है सीट को एडजस्ट कर पाएंगे और इतनी छोटी गाड़ी में अचीव करना ये भी बहुत यूनिक थिंग है। बूट स्पेस इसमें आपको मिलेगा 280 लीटर्स का, लेकिन यूनिक थिंग ये है कि आप जो है रियर सीट को कम्प्लीटली क्लोज करके बिल्कुल ही फ्लैट बोर्ड बना सकते हैं, फ्रंट सीट तक आपको बिल्कुल ही फ्लैट मिल जाएगा और जो इसका बूट है थोड़ा सा ज्यादा हाइट अप पे ओपन होता है ताकि आप पीछे बैठ पाए, कैंपिंग वगैरह करें तो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। अब इंडिया में इसको कहां कैंपिंग करने लेके जाएंगे वो तो आप डिसाइड करिए। अब जैसे कि क्रेटा में हुआ था भाई, हाई स्ट्रेंथ स्टील को जो है बढ़ा दिया गया था, वैसे ही इंस्टर में भी आपको जो है हाई स्ट्रेंथ स्टील ज्यादा देखने को मिलेगा कंपेयर टू इनकी करंट जो इस सेगमेंट के व्हीकल्स है ना उससे। बाकी फीचर्स की बात करें तो भाई सब कुछ मिलेगा आपको, सनरूफ देखने को मिलेगा, एडास देखने को मिलेगा, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस देखने को मिल जाएगा, एम्बिएंट लाइट मिल जाएगी, रिसेंटली इन्हें डैश कैम इंक्लूड किया था वो भी आपको मिल जाएगा। तो जितने बेसिक फीचर्स है जो करेंटली मार्केट में चल रहे हैं वो मिल जाएंगे। बाकी ओवरऑल आपको कार कैसे लगी आप बता सकते हैं, कस्टमाइजेशन के ऑप्शन इसमें बहुत आने वाले हैं ऐसा हुंडई का कहना है। अब देखते हैं भाई, वो तो लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। बाकी वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।